हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के एक महत्वपूर्ण आदेश से संबंधित है। 5 जुलाई से शुरू होगा परिषदीय विद्यालयों का ताबड़तोड़ निरीक्षण। तो साथियों, आप तैयार रहें क्योंकि 3 जुलाई से विद्यालय खुल रहे हैं और 5 जुलाई से निरीक्षण शुरू होने वाला है। इस निरीक्षण में कौन कौन से बिंदुओं पर चेकिंग होगी, वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिले, तो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप बनाए हुए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपनी बनाई गई वीडियोस को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी प्रेषित करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं महानिदेशक का आदेश। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, दिनांक 30 जून। साथियों, 30 जून का आदेश है। सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय, विद्यालयों के निरीक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रगति का अनुसरण किए जाने के संबंध में। महोदय महोदया, कृपया उपर्युक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी के पूर्ण निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सभी जनपदों में विशिष्ट बिंदुओं पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए थे। तत्क्रम में प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि माह अप्रैल 2023 में जनपद विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, समस्त जिला समन्वयकों, ERP SRG तथा डायट मेंटर्स के द्वारा 1,65,065 तथा माह मई 2023 19 मई 2023 तक में 1,22,137 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, जो संतोषजनक स्थिति प्रदर्शित करता है। ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालयों के पुनः खुलने पर पठन पाठन तथा मध्याह्न भोजन वितरण के साथ साथ अवस्थापना, सपोर्टिव सुपरविजन एवं अकादमिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक बिंदुओं पर भी नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही की जाती है। अतः माह जुलाई 2023 में विद्यालयों के निरीक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नंबर 1, विद्यालय में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। नंबर 2, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता। नंबर 3, कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर संतृप्त हैं अथवा नहीं। नंबर 4, मध्याह्न भोजन उचित व्यवस्था के साथ बच्चों को वितरित किया जा रहा है। नंबर 5, प्रत्येक सोमवार को फल या प्रत्येक बुधवार को दूध वितरित किया जा रहा है अथवा नहीं। नंबर 6, MDM रजिस्टर में दर्ज कुल छात्र छात्राओं की संख्या। नंबर 7, निरीक्षण के दिन मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या। नंबर 8, विगत 3 दिनों में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले कुल छात्र छात्राओं की संख्या। नंबर 9, विद्यालय में तैनात शिक्षक शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक की संख्या। नंबर 10, अनुपस्थित शिक्षक शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक का विवरण। नंबर 11, विद्यालय में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या। नंबर 12, नामांकन के सापेक्ष उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या। नंबर 13, सभी छात्र छात्राओं को समस्त विषयों की पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो चुका है अथवा नहीं। नंबर 14, शिक्षकों के द्वारा ERP SRG से गुणवत्ता युक्त फीडबैक एवं अकादमिक सपोर्ट के संबंध में संवाद किया जा रहा है अथवा नहीं। नंबर 15, निरीक्षण के फलस्वरूप निरीक्षणाक्षा में निरीक्षणकर्ता के द्वारा अपना आकलन उपलब्ध कराया जाया कि निरीक्षित विद्यालय कब तक निपुण विद्यालय की श्रेणी में आ सकता है। समस्त परिषदीय समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों के अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण किए जाने हेतु पूर्व प्रेषित निर्देशों के क्रम में दिनांक 5/7/2023 से 31/7/2023 तक की अवधि में विद्यालयों का विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्त बिंदुओं पर समस्त विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु निम्न अनुसार कार्यवाही संपादित की जाए। योजनाबद्ध तरीके से समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं समस्त सहायता प्राप्त
अशासकीय विद्यालयों तथा मदरसों का शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य योजना 2 दिन के अंदर बनानी लाए, जिसमें अधिकारी वार विद्यालयों का आवंटन स्पष्ट रूप से किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, अतः जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा इस दिशा में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया जाए। इन सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। नंबर 3, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा नेतृत्व प्रदान करते हुए मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। उल्लेखनीय है कि दिनांक 5/7/2023 से 31/7/2023 की अवधि में निर्धारित उपरोक्त विशेष निरीक्षण अभियान को जनपदीय अधिकारियों के द्वारा महत्व प्रदान करते हुए सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से आयोजित कराने की आवश्यकता है। उक्त अभियान की प्रगति की सूचना पाक्षिक रूप से दिनांक 15/7/2023 तथा 31/7/2023 को अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साथ मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। भवदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो साथियों, यह है आदेश महानिदेशक साहब का जो उन्होंने 30 जून को जारी किया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ध्यान रखें और इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई दिक्कत न आए। इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन यह है कि यह आदेश सभी साथियों तक नहीं पहुंच पाता है, तो वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि ये आदेश सभी तक पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।